गाइस काफ़ी मशक्कत के बाद पहुंच चुके हैं यहीं पे। उनका 7 बार मृत्यु, 7 बार पुनर्जन्म हुआ था। अब बोलो क्या बोलो। और ये बैग का स्टॉल, ये क्या कुलचा उलचा का है ऐसा, आपको पीस बहुत महंगा है रे। यहाँ से मैं कच्चा चिकन ले रहा हूँ। अरे मोबाइल चिकन का माला। हे गाइस वेलकम बैक टू दिस न्यू ब्लॉग। अभी मैं हूँ मनाली में और मनु टेंपल के रास्ते में जा रहा हूँ। ये इसका देख सकते हो, ये रास्ता ओल्ड मनाली से ही मनु टेंपल का रास्ता है। यहाँ आने के लिए आपको ऑटो मिल जाएगा मनाली बस स्टैंड से। तो मैं बोलूँगा आप ऑटो से ही आना क्योंकि बहुत डीप चढ़ाई है, काफ़ी ख़तरनाक। ये देख सकते हो इसका बस। चलिए धीरे धीरे आगे चलते हैं और आगे दिखाते हैं मनु टेंपल के रास्ते में ओल्ड मनाली होते हुए। तो ओल्ड मनाली को भी धीरे धीरे एक्सप्लोर कर ही लेंगे इस ब्लॉग में। तो चलिए, इस ब्लॉग में आपको देखने को मिलेगा ओल्ड मनाली और मनु टेंपल का क्या नज़ारा है। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। और चैनल पहली बार आओ तो सब्सक्राइब करना मत भूलना, वीडियो को लाइक करना अगर पसंद आए। अभी मैं ओल्ड मनाली के ब्रिज पे हूँ और नदी का फ्लो आप लोग देख सकते हो। मैं एक शॉर्ट्स डालता हूँ, आप लोग देखो नदी का फ्लो क्या सुंदर है। अभी मैं ऊपर मनु टेंपल की तरफ जा रहा हूँ और दिखाता हूँ आपको मनु टेंपल की तरफ क्या कुछ दृश्य देखने को मिलेगा आपको। तो चलो लेके चलते हैं आपको। सो गाइस काफ़ी मशक्क़त के बाद पहुंच चुके हैं महर्षि मनु के टेंपल पे। तो चलिए अंदर चलते हैं लेके और इसके बारे में क्या हिस्ट्री है, क्या जय हो महर्षि ऋषि मनु। देख सकते हो इस तरीके का, यहाँ पे अंदर आते ही आपको देखने को मिलेगा ये प्राचीन मंदिर। बारिश आ रहा है और मैं थोड़ा सा इधर छुप जाता हूँ। मैं बता दूँ, ये मंदिर जो था महर्षि ऋषि का एक लौता मंदिर माना जाता है इस मंदिर को। और ऐसा भी माना जाता है कि पुराणों में महर्षि ऋषि जो थे इसी जगह पुरानी मनाली में आके यहाँ पे रुके थे। यहीं पे उनका 7 बार मृत्यु, 7 बार पुनर्जन्म हुआ था, यहीं से उन्होंने सृष्टि का पुनर्निर्माण किया था। तो चलिए आपको ले के चलते हैं महर्षि मनु के टेंपल के अंदर और दिखाते हैं क्या कुछ उनका पुनः अवशेष अभी भी बचा है या नहीं। चलिए बारिश आ चुका है, देख सकते हो सामने नीचे गीला हो चुका है। और कब यहाँ का मौसम बदल जाता है कब कोई गारंटी नहीं है यहाँ पे। तो ये जगह जो है अभी 2 महीने के बाद ये पूरा मंदिर जो है बर्फ से लद जाएगा। क्यों, यहाँ पे बर्फ लग जाता है ना। देखो बच्चों से पूछते हैं, रुको, यहाँ पे बर्फ लग जाता है ना इस साले। क्या होता है रुको रुको, कैमरा में गंदा लग गया। अब बोलो क्या बोलो। मनु टेंपल में है हमारे घर, मनु टेंपल में है। तुम्हारे घर के पास है, कहाँ है तुम्हारा घर? हमारा घर पर है। चाय पिला रहे हो घर पे? मेरा सही में है। चाय पिला रहे हो? चाय पिलाओगे? मेरा सही में है।
तुम पिलाओ तुम अपने घर पे। नहीं सब सही में मेरा घर आपका घर का है। तुम्हारे साथ खेल लेंगे, चाय पिला दो। मेरा घर उधर पहाड़ के अंदर कोने में। बाय कर दो, बाय कर दो, बाय कर दो, बाय कर दो, मोटो भाई बाय कर दो, ओए बाय करो, बाय करो। चार बज गए। स्ट्रॉन्ग टी आ चुका है मेरा और जगह पे निकल चुके हैं उस कैफे से और दोस्तों 50 रुपए लगा है उस जगह को दिखाने के लिए। मेरा कोई इंटेंशन नहीं था 50 रुपए का चाय पीने का, लेकिन बहुत अच्छा जगह है, आप लोग ज़रूर जाइएगा। 50 रुपया कोई बड़ी चीज़ नहीं है आप लोगों के लिए, ज़रूर खर्च कीजिएगा। वो लड़का जो है गाना बहुत अच्छा सुनाता है लड़कियों के लिए। मनु टेम्पल से जैसे ही थोड़ा सा आगे बढ़ते हो, मतलब मुश्किल से 100 मीटर आगे बढ़ोगे, तो यहाँ पे कुछ बहुत अच्छा स्पेस है यहाँ पे बैठने के लिए, और फ़ोटो लेना हो तो फ़ोटो भी ले सकते हो। इस जगह का नाम यहाँ पे लिखा नहीं हुआ है गेट पे, आप एक स्लोमो देखो और इन्जॉय करो इस जगह को। हर तरफ ये छोटा छोटा कैफे देखने को मिलेगा यहाँ पे, स्टॉल दुकान, और ये बैग का स्टॉल, ये क्या कुलचा उलचा का है ऐसा, आपको खेलने के लिए हर जगह पर। कहाँ उनकी उल्टा गया क्या? ठीक है ठीक है ठीक है, ये देख सकते हो सामने इधर दुकान उकान देखने को मिलेगा, ऑटो ऑटो। आप हाँ एक चीज़ और मैं बता दूँ, अगर मंदिर जाते हो ऊपर, कौन सा मंदिर है मंदिर का नाम भी भूल गए, तो उधर जाते हो आप तो ऑटो से ही जाइएगा और आइएगा पैदल, ठेलते हुए चले जाइएगा, कोई दिक्कत नहीं है। यह जगह बहुत मज़ेदार है, बाप रे बाप, देखिए देख, अरे बाप रे बाप, अरे बाप रे, तो एक गाड़ी ब्रेक है नहीं भाई, गाड़ी कुछ लॉन्च है दोस्तों, बड़ी खतरनाक वाला चढ़ाई है। ऐसे कैमरा में पता नहीं चल रहा होगा, जब जाइएगा तब समझ में आ जाएगा आपको। ओल्ड मनाली इसे आप जाइएगा, अरे बाप रे, बम अभी तक तुम लोग ले रहा है यार। चलिए आगे मॉल रोड की तरफ दिखाते हैं आपको, ये कुछ रास्ता है और स्टॉल दुकान। फोन आ गया क्या? थोड़ी देर में मिलते हैं आपसे। अगर मॉल रोड बोल रहे हैं यार, मॉल रोड का है बोलते हैं बार बार। अगर ओल्ड मनाली में आप गोलगप्पे खाते हो, आपको 20 रुपए के 5 गोलगप्पे ऐसे खाइए बस, ख़त्म कहानी। ये है मोमोज खाते हो 100 रुपए में 12 पीस, बहुत महंगा है रे। तो दोस्तों ओल्ड मनाली में बहुत सारा लॉन्च आपको देखने को मिलेगा, देख सकते हैं एकदम पूरा। यो यो क्या बात है, देखिए भोजपुरी भी गाना बजवा सकते हैं अपने हिसाब से, बजा तो देगा। ये बहुत सारा लॉन्च है दोस्तों, देख सकते हैं ऊपर। आह क्या प्यारा, क्या प्यारा मज़ेदार सी व्यू लॉन्च। तो दोस्तों देख सकते हैं वहाँ पे एक कैफ़े है जिसका नाम जूम करके दिखाते हैं क्या है, ओचो किचन। यहाँ पे जाके खाइएगा, ये व्यू देखने को मिलेगा आपको। तो गाइस अभी मैं हूँ यहाँ पे चिकन शॉप पे, यहाँ से मैं कच्चा चिकन ले रहा हूँ। अरे मोबाइल छीन गया, मालूम
अभी मैं यहाँ से कच्चा चिकन ले रहा हूँ और होटल में जाएंगे यहाँ, और होटल में जाके फ्राई चिकन खाएंगे। और ये मैं दिखाऊंगा नहीं आपको, ये अगला वीडियो में दिखाऊंगा, इस वीडियो में नहीं दिखाऊंगा, नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगा। तो यहाँ का मैं चिकन, कच्चा चिकन का प्राइस मैं बता दूँ, 260 रुपीज़ पर केजी चिकन है यहाँ पे। तो सारा जुगाड़ अपने पास है, चिकन फ्राई करेंगे और होटल में एकदम मस्त दबा के खाएंगे। सफर कैसा है ये सफर, मंजिलों